हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। और इससे पिछले एपिसोड में हमने जाना समांतर ब्रह्मांड के असल विज्ञान को। इसके अलावा हमने यह भी जाना कि कैसे गणितीय सिद्धांत यूनिवर्स के रुख को बदल सकते हैं, या सरल भाषा में कहें कि कैसे मैथमेटिक्स हमारे ब्रह्मांड की मौलिक सच्चाई है। आज के इस एपिसोड में हम समांतर ब्रह्मांड को और गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने वास्तविक जीवन में समांतर ब्रह्मांड की सच्चाई को महसूस करते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड को समझने के लिए आपको इसका पिछला भाग जरूर देखना चाहिए। लिंक ऊपर आई बटन पर मौजूद है। साल 1980, वैज्ञानिक एलन गोथ ने इन्फ्लेशन थ्योरी का इजाद किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि बिग बैंग के तुरंत बाद यानी सेकेंड के कुछ हजारवें हिस्से में हमारा यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला था, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और इसके बाद के फैलाव को कहा जाता है एक्सपेंशन। उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन के बाद हमारा यूनिवर्स थोड़ा धीरे फैलने लगा और ठंडा भी होता चला गया, परंतु हमारे ब्रह्मांड का फैलाव जारी रहा, यानी एक्सपेंशन का फैलाव जारी रहा। वैज्ञानिक एलन गोथ ने बताया कि ब्रह्मांड में एक ऐसा फोर्स यानी एक ऐसी शक्ति है जो ग्रेविटी के बिल्कुल विपरीत काम कर रही थी, यानी यह अज्ञात शक्ति मैटर को अपनी ओर खींच नहीं रही थी बल्कि अपने से धक्का दे रही थी, और यह बिग बैंग के तुरंत बाद से होता आ रहा था, और यही अपोजिट ग्रेविटी यूनिवर्स को फैला रही थी, जिसके कारण हमारा यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा था। उन्होंने गणितीय रूप से यह सिद्ध किया कि यह अज्ञात शक्ति इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि यह बिंदु के आकार के पिंड को मिल्की वे गैलेक्सी के साइज में तब्दील कर सकती है, और वो भी केवल एक सेकंड के अरब अरब अरबवें भाग में। और उसके बाद हमारे ब्रह्मांड के फैलने का रफ्तार धीमा हो गया। पर यह धीमा क्यों हो गया था और इन्फ्लेशन का अंत कैसे हुआ था, चलिए जानते हैं। साल 1983, वैज्ञानिक एलेक्स वेलकिन ने अपनी एक थ्योरी के जरिए इन्फ्लेशन को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन का अंत सभी जगह पर एक ही रफ्तार से नहीं होता है, यानी कि ब्रह्मांड में कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां अभी भी इन्फ्लेशन की घटना चल रही होगी, और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने इंटरनल या इटरनल इन्फ्लेशन का नाम दिया, जिसका मतलब इस प्रक्रिया में कई घटनाएं जो हो चुकी हैं वो अभी भी हो रही होंगी। यानी कि बिग बैंग एकमात्र ऐसी अनोखी घटना नहीं थी जो हमें देखने को मिली थी, बल्कि ऐसी कई बिग बैंग की घटनाएं हमारे यूनिवर्स के जन्म होने से पहले भी हो रही थी, और शायद अभी भी कहीं ना कहीं यह घटना घटित हो रही होंगी जिनसे अन्य नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा। एस्ट्रोनॉमर्स का एक दल जो कि इन्फ्लेशन थ्योरी और इससे उठे सवालों की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने ब्रह्मांड की एक बेहद ही बड़ी और रहस्यमय चीज का पता लगाया। एक ऐसी चीज जो ना तो दिखाई देती है और ना ही उसे हम सुन सकते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डालता है, लेकिन हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध है ब्रह्मांड के विस्तार से। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से और सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है। यदि आप इस बॉल को ऊपर की ओर उछालोगे तो यह बॉल कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वापस नीचे आ जाएगी, और हम सभी जानते हैं इस बॉल के नीचे आने का कारण ग्रेविटी। इसी तरह वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड का विस्तार भी एक लेवल पर जाकर स्टार्स और गैलेक्सीज की ग्रेविटी के कारण धीमा हो जाएगा, परंतु जब खगोलविदों ने वास्तव में ब्रह्मांड के फैलाव और विस्तार को मापा तो उन्हें उस वक्त कुछ मजेदार मिला जो हमारी भौतिकी और हमारे ब्रह्मांड की गहराई को समझाने वाला था। खगोलविदों ने देखा कि हमारा यूनिवर्स समय के साथ साथ धीमा नहीं बल्कि और तेजी से फैल रहा था, यानी यूनिवर्स को ग्रेविटी भी रोक नहीं पा रही थी। यह ठीक वैसा था जैसे हम किसी बॉल को ऊपर की ओर उछालें तो वह बॉल नीचे आने के बजाय और भी तेज गति से ऊपर अंतरिक्ष की ओर चली जाए, और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब कोई अज्ञात बल उस बॉल पर लगा हो जो कि गुरुत्वाकर्षण से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसी को ही ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारे ब्रह्मांड को भी एक अदृश्य बल धकेल रहा है,
जिसके कारण ब्रह्मांड का फैलाव और तेजी से फैल रहा है। क्योंकि हम इस अदृश्य बल या कहें तो एनर्जी को देख नहीं सकते, इसलिए खगोलविदों ने इसका नाम रखा डार्क एनर्जी। परंतु आगे चलकर जब हमारे खगोलविदों ने अपने गणितीय सिद्धांतों के जरिए डार्क एनर्जी के बारे में गहराई से अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि गणितीय सिद्धांतों से मिले आंकड़े डार्क एनर्जी की वास्तविक मात्रा से मेल नहीं खा रहे थे। वो मात्रा डार्क एनर्जी की वास्तविक मात्रा से कहीं अधिक बैठी थी। यानी यहाँ पर खगोलविदों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा, आखिर कैसे गणितीय आंकड़े इसे गलत दिखा सकते थे। और इसी कारण वैज्ञानिकों ने एक विचार रखा कि शायद डार्क एनर्जी की जिस मात्रा को हमने मापा है वो असल में किसी अन्य ब्रह्मांड का हो सकता है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताता हूँ जो दूसरे ब्रह्मांड के होने पर इशारा करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बनी प्रत्येक चीज एटम्स से बनी है, और एटम्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। परंतु और गहराई से अध्ययन करने पर पता चला कि ये पार्टिकल्स भी इनसे भी छोटे पार्टिकल्स से बने हैं, जिन्हें कहा जाता है क्वार्क्स। लेकिन खगोलविदों ने जब इनके गुणों को देखा तब उन्हें लगा कि यह भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई नहीं हो सकती, और तब उन्होंने पता लगाया कि ये पार्टिकल्स भी छोटे वाइब्रेट करने वाले एक ही आयामों या कहें तो वन डायमेंशनल एनर्जी लूप से बने हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। और इसी नाम से एक नई थ्योरी का इजाद हुआ जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग थ्योरी, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक कण इन्हीं वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग से बने होते हैं। और जैसा कि किसी गिटार का एक ही स्ट्रिंग उसके वाइब्रेशन के अनुसार अलग अलग धुन या नोट्स को प्ले करता है, ठीक उसी प्रकार ये वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग्स भी अलग अलग पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं जो उनके वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। आपको यहाँ पर लगा होगा कि यह थ्योरी एक प्रकार से हमारे सभी सवालों के जवाब देती है। जी हाँ, यह थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में सटीक बैठती है, जो कि साथ साथ में बिग बैंग थ्योरी को टक्कर भी देती है। यहाँ पर यह थ्योरी सभी सवालों के सही और सटीक जवाब देती है, इसी कारण इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। यदि आप इस थ्योरी को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी पर फुल डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखना। जैसा कि मैंने आपको अभी फिलहाल में ही बताया कि यह थ्योरी मल्टीवर्स के होने का सबूत देती है। यह बताती है कि ब्रह्मांड में दिखने वाले इन डायमेंशंस के अलावा भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी मौजूद हैं। हम सभी ब्रह्मांड के तीन आयामों को जानते हैं, एक्स, वाई और जेड। लेकिन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का गणित हमें बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में केवल यही तीन आयाम नहीं हैं, बल्कि हमारा ब्रह्मांड अलग अलग नौ आयामों से मिलकर बना हो सकता है। तो अगर यह थ्योरी वास्तव में सही है तो ये एक्स्ट्रा डायमेंशन कहाँ पर हैं, और यदि वे वाक्य में ही मौजूद हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते। हमारी धरती हम इंसानों के लिए एक तीन आयामों के रूप में है, एक्स, वाई और जेड। परंतु यदि हम एक रस्सी के ऊपर खड़े हो जाएं तो वो हमें दो आयामों के रूप में दिखाई देगी। लेकिन अब आप इस खंभे में लगे तार को देखिए, दूर से ये आपको टू डायमेंशनल लाइन के रूप में दिखाई देगा। लेकिन यदि हम एक चींटी के आकार जितने हो जाएं तो फिर हम यहाँ पर एक नए आयाम को भी देख पाएंगे, एक सर्कुलर या कहें तो एक गोलाकार आयाम को, जो कि तार के चारों ओर मौजूद है। दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हमें बतलाती है कि यदि हम चींटी से भी अरबों गुना छोटे हो जाएं तो हम उन अतिरिक्त आयामों को भी देख पाएंगे जिन्हें हम देख नहीं पाते। तो अंत में इन्फ्लेशन, डार्क एनर्जी और स्ट्रिंग थ्योरी हमें ये सिद्ध करती है कि हम एक मल्टीवर्स की दुनिया में रहते हैं। तो ये तो थे वैज्ञानिकों द्वारा रखे गए उनके मत और विचार जो दुनिया को अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने असल जीवन में समांतर ब्रह्मांड के हो सकने को महसूस किया है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जो घटना अभी फिलहाल में घट रही है वो पहले भी कभी घट चुकी है? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई जगह है जिसे आपने अपने जीवन में पहली बार देखी है, लेकिन उसे देखने के बाद
आपको ऐसा लगा हो कि इस जगह को मैं पहले भी देख चुका हूँ। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराइए मत, क्योंकि ऐसा अधिकांश लोगों के साथ हो चुका है और इस घटना को कहा जाता है डेजा व्यू। यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले से देखा हुआ। परंतु अब मैं आपको एक ऐसे इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मल्टीवर्स यूनिवर्स के असल में होने को साबित करता है, द मंडेला इफेक्ट। सोचिए तब क्या होगा कि कोई घटना जो आपके साथ घट चुकी है और वो आपको पूरी तरह से याद है, लेकिन जब आप उस घटना के बारे में लोगों को बताते हो तो वे सभी इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। यदि आप इसे नहीं समझ पाए तो चलिए मैं आपको इसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक रात आप YouTube पर कुछ समय बिताकर सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह जागकर आप अपने मोबाइल को ओपन कर YouTube को खोलने जा रहे होते हैं तो आप पाते हैं कि आपके मोबाइल में ना तो कोई YouTube का लोगो और ना ही कोई ऐप मौजूद है। आपको कैसा लगेगा? और फिर आप अपने संबंधियों से इसके बारे में पूछते हो तो उनका जवाब आता है कि YouTube क्या है। और यदि आप अपनी बात पर टिके रहते हो तो फिर लोग आपको पागल या फिर आपको भ्रम हुआ है यह समझेंगे, क्योंकि ऐसा बोलने वाले केवल आप अकेले हैं। लेकिन यदि आपके समर्थन में लाखों लोग खड़े हो जाएं तो इसे हम उसका भ्रम नहीं कह सकते। जी हाँ, इसी इफेक्ट को कहा जाता है द मंडेला इफेक्ट, जिसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मौत से। यदि आप गूगल पर सर्च करोगे कि नेल्सन मंडेला की मौत कब हुई तो आपको यह डेट मिलेगी, 5 दिसंबर साल 2013। परंतु लाखों लोगों का मानना है कि इनकी मौत साल 1991 में ही हो गई थी, जब वे क्रांतिकारी कारणों की वजह से जेल में थे। यहाँ तक कि कुछ लोग उनके अंतिम संस्कार को साल 1991 में लाइव देखने का भी दावा करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही आदमी अपने एक ही जीवन काल में दो बार कैसे मर सकता है? यहाँ पर हम गूगल की डेट और उन लाखों लोगों को भी गलत नहीं ठहरा सकते जो ऐसा कहते हैं। इस इफेक्ट के और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे किटकैट के बीच में लगाए लोगो, कोको कोला के बीच में लगाए चिन्ह, इसके अलावा द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन ऐसा क्यों है, जबकि यह 80 किलोमीटर लंबी वॉल वर्षों से राजस्थान में मौजूद है, फिर भी इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते? यदि आप इन एग्जांपल्स को फुल डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जल्द ही इस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। परंतु ऐसा क्यों होता है, जब कोई ऐसी घटना जो घटी ही नहीं है फिर भी कुछ लोग उस घटना के असल में होने का दावा क्यों करते हैं? वेल, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में ये यादें कहां से आती हैं। फायना ब्रूम, ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मंडेला इफेक्ट के विचार को सबके सामने रखा था। इनका मानना है कि हो सकता है कि कुछ में ये यादें दूसरे यूनिवर्स में इकट्ठी हुई यादें हैं, या सरल भाषा में कहें कि जो घटना जिस पर हम यकीन करते हैं वो इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स में घटी हों, लेकिन उनकी यादें इस यूनिवर्स में भी हमारे दिमाग में मौजूद हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बात पर यकीन करते हैं लेकिन लोग उसे मानने से इनकार कर रहे हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ मैं आपके साथ रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का यह एपिसोड आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।